पहले हमें दिया है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हमको लेकर आना है। यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। तो साइन थीटा रखेंगे तो साइन को उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहां पे x की जगह sin थीटा रखेंगे, तो यहां x की जगह sin थीटा रखेंगे तो 2 sin थीटा हो जाएगा, 1 minus x square, x की जगह sin थीटा रखेंगे तो 1 minus sin square थीटा हो जाएगा, 1 minus sin square क्या हो जाएगा cos square, यहां square था अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला होता है किसका sin 2 थीटा का। बाहर साइन इनवर्स था अंदर साइन था, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 2 थीटा बचेगा आपका। तो यहां पे 2 थर्ड थीटा, यहां पर हमने x इक्वल टू साइन थीटा रखा था तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहां पे थीटा की जगह हम क्या रखेंगे साइन इनवर्स x, तो आपका क्या आ जाएगा आरएचएस जो कि हमको प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था 2 साइन इनवर्स x ही हमको प्रूव करना था। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है, आगे बढ़े हम। यस सर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, उसको एक बार करने की कोशिश कीजिए आप लोग, सेम टू सेम क्वेश्चन है सर, ऐसे ही है। प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x, कीजिए जरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन फटाफट जिसको देख लो, यहां पर x इक्वल टू रखेंगे हम cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहां पर sin इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये sin इनवर्स cos थीटा, ये 1 माइनस cos sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या मिला हमारा cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x ये आएगा। ठीक है तो सर ये साइन थीटा रखने पे गलत भी तो कहाँ हो रहा है, हाँ साइन थीटा रखने पे गलत गलती होगा, वो तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू तो साइन थीटा रखेगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर जब होगा तो पहले तो 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रखना है, उसके बाद बोला अगर थीटा इक्वल टू साइन रख देता तो यहाँ पर ये जो है x इक्वल टू साइन थीटा रखता तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x आएगा, ये थोड़ा ना आएगा। देख जरा तुमने जो क्वेश्चन करा उसमें कितना डिफरेंस है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 4x के। अब यहां पे देखिए फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, फॉर्मूला था अरे 4x स्क्वायर है, 4x क्यूब है, हाँ
तेरी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 2.2। क्या सर? 2.2। 2.2। वापस समझा देता हूं मैं। यहाँ पे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin θ - 4 sin 3θ। यहाँ पे इससे वहां वहां पर हम साइन थीटा रखेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस 4 sin 3θ। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी जगह साइन 3 sin θ - 4 sin 3θ की जगह आ जाएगा साइन 3θ। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3θ। तो 3θ, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स एच। तो आंसर आ जाएगा 3 sin inverse x। इसी तरीके से क्वेश्चन भी है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसमें से देख लेना, वहां पर वो cos 3θ का फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Next question is 1/2 + 10 + 2/11 equal to 10 inverse 3/4। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले सेंड किए थे ये उससे है। यहाँ पे 10 inverse 1/2 + 10 inverse 2/11 इन दोनों को सॉल्व करके हमको लाना है 10 inverse 3/4 3/4। तो यहाँ पर फॉर्मूले आपको मैंने बताया थे कल, या तो 10 inverse x + 10 inverse y का फॉर्मूला क्या होता है बता देना पड़ेगा। 10 inverse a + b / 1 - a × b। देखिए 1 - x + y upon 1 - ये सभी को जहां पर सर ऐसे सर 3 फॉर्मूले सर सेम ही है तो उसमें समझ में आएगा यहाँ पे कौन सा वाला लगने वाला है? जिसे यहाँ पे 10 है यहाँ पर भी 10 लगेगा, कौन सा फॉर्मूला 10 है लगेगा। ठीक है, और लाना भी हमको 10 नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 दिया और यहाँ पर कुछ और दिया है तो पहले तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे 10 इनवर्स वाला, फिर हम वहां पर पाइथागोरस का यूज करके उसको चेंज करेंगे। अभी क्वेश्चन आ जाते हैं बता दूंगा, हम भी पहले सिंपल वाले देख लीजिए। x की वैल्यू 1/2 + y की वैल्यू 2/11 upon 1 - 1/2 × 2/11। कीजिए इसको सॉल्व, क्या आ रहा है बताइए, इसको सॉल्व कीजिए आगे क्या आएगा बताना। सर 3/4 कौन है सर? आ गया आंसर। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 10 इनवर्स ऊपर एलसीएम आ जाएगा 22 22 ठीक 50 11 + 4 / 1 - 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/11। इधर हो जाएगा 10 इनवर्स, हो जाएगा 11/15 22 अपॉन में डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ 20 11 - 1 10 10/11। मेरा तो कैसे करूँगा 11 + 5 = 3 हो जाएगा 3/2 / 2/1 रेसिप्रोकल होगी तो आ जाएगा आपका 3।
कर दिखे ना हमको। अरे वैसा माइक बंद कर यार तेरा। ये जे टू का भी बंद करो। सर दिख नहीं रहा बेटा, धूप वगैरह में तो नहीं बैठे हो आप? कहाँ पे कुछ क्या नहीं दिख रहा है? सर बार बार ये आ रहा, दिख ही नहीं रहा। क्या आ रहा तो बात है? सर बार बार बंद करना ही सकते। नेटवर्क इश्यू होगा किसी कारण से और आवाज इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि सभी लोगों के माइक ऑन है। जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो, कुछ डाउट्स वगैरह हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तभी आप लोग माइक ऑन कीजिएगा और तब पूछिएगा। ठीक है सर। अल्लाह कर लीजिएगा ठीक। फिर सर आप फिर से दिख रहा बेटा ये आपके इधर फिर नेटवर्क का इश्यू होगा, नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आ रही होगी। एयरटेल में करवा ले भैया, मैंने बोला है फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए, सभी के माइक बंद ही होने चाहिए। अब अगर किसी का वापस से माइक ऑन हुआ और फालतू की बकवास हो तो रिमूव कर दूंगा उसको मुझे टाइम। अगला क्वेश्चन है इनवर्स लिखना है, सेट इनवर्स एक्स प्रूव करना है। सबसे पहले हमेशा क्या करें कि ये क्वाड इनवर्स बन जाए ये वाली वैल्यू। तो क्वाड इनवर्स कब बन सकता है? फॉर्मूले होते हैं क्वाड के कौन कौन से होते हैं, या तो कॉस अपॉन साइन या वन अपॉन टेन। अब यहां पर कॉस अपॉन साइन की पॉसिबिलिटी का काम है ना, क्यों? क्योंकि h की जगह केवल एक ही वैल्यू रखूंगा, डबल अपॉन वाली वैल्यू रखता तब जाके रेसिप्रोकल होती है और उसको पलटते हम लोग, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर चेंज करूंगा, जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं चेंज करूंगा 1/10 में। तो 1/10 में चेंज करने के लिए मुझे इसे 10² में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 10² में कैसे चेंज हो सकता है? अगर मैं एक्स इक्वल टू रखू sec थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? sec इनवर्स एक्स। तो यहां पर हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1/ अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cot स्क्वायर थीटा 1/ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है? tan स्क्वायर का होता है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट का tan स्क्वायर थीटा। यहां पर मैं अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकालूंगा तो tan थीटा हो जाएगा। तो cot इनवर्स 1/ tan थीटा 1/10 होता है cot। तो cot इनवर्स cot थीटा से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा और थीटा की वैल्यू क्या थी? sec इनवर्स x। क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अच्छा सा आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा।
tan inverse cos x upon 1 plus sin x. ठीक है, यहां पे हमको माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में इसको सिंपलेस्ट करना है. सिंपलेस्ट करना है मतलब इसकी वैल्यू हमको लेके आनी है और यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं होगी, आंसर पाई में ही आएगा. तो किस तरीके से आएगा देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर हमको रखने की तो कुछ जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी उन्होंने हमको दे रखा है कॉस और साइन दे रखा है, मतलब हम एक्स की तो जगह कुछ रख नहीं सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे. अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर रियल में आपने पढ़े हो तो एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है. यहाँ फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाएंगे, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर भी करूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा का. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू. इस तरीके से आपको पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे ऊपर था cos x, तो cos x की जगह हो जाएगा cos स्क्वायर h बाय टू माइनस sin स्क्वायर h बाय टू. और पूरी जगह क्या है, माइनस sin x है करेंगे 1 है, तो 1 इसकी वैल्यू होती है sin cos में, sin square theta plus cos square theta की वैल्यू होती है 1. लेकिन हम ऊपर कर चुके हैं x by 2 और x by 2, तो यहां पर भी हम 1 को चेंज करेंगे sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus sin theta. अब देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला. यहां पर ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला. अगर मुझे सिर्फ थीटा का चाहिए, साइन थीटा का चाहिए, तो वही जो मैंने कॉस में करा था थीटा में टू टू का डिवाइड कर दूंगा. अगर एलएचएस का करा है तो आरएचएस का भी मुझे करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला. क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, ये हो जाएगा. तो यहां पर मैं रखूंगा टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय, ये हो जाएगा. अब देखिए नीचे आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का. जैसे ये साइन एक्स बाय टू ए है और कॉस एक्स बाय टू बी है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. तो यहां पर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू और अपॉन में यहां पे ये कॉस साइन है तो अपन नीचे भी कॉस साइन ही लेके चले, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. जब यहां पे होल स्क्वायर लगा है तो किससे क्या कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस साइन से एक कॉस साइन कैंसिल हो जाएगा. ये यहां पर अब वैल्यू क्या बचेगी,
by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक? रफ करना इसको, आगे अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए वापस मुझसे, कोई भी डाउट नहीं है इसमें? ठीक है। नो सर, नहीं दिख रहा है। क्या हुआ सर? वीडियो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? जो सामने दिखा था उसके ऊपर डबल इनका माइक बंद करवाओ सर, सब चलेगा पूरा। सर इनका माइक बंद कर। हाँ देखिए मैं लाइन रन कर रहा हूं, ऐसा क्या करूं कि ये जो है ये सारी वैल्यू पूरी 10 में चेंज हो जाए। अब 10 में फॉर्मूले बनते हैं दो, एक होता है 10 a प्लस b का और एक होता है 10 a माइनस b का। 10 a प्लस b का होता है 10a 10 प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 है 10 b, लेकिन यहां पर तो 10 है ही नहीं, तो इसको अगर मुझे 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे न्यूमरेटर में अंश में और पूरे डिनोमिनेटर पूरे घर में मैं cos थीटा का डिवाइड करूंगा, cos थीटा का भाग दूंगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर लेता हूं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देख लीजिए अगर तो बता देता हूं मैं आपको, cos x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 cos x by 2 अपॉन में cos x by 2 cos x by 2 cos x by 2 यहां cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? tan इनवर्स 1 प्लस n x by 2 upon 1 plus n x by 2 बनेगा? नहीं बन रहा है। इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? एक और चीज करूंगा, जैसे यहां पर है 1 है ना, इसके साथ में मैं मान लेता हूं कि 1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है गुणा में कुछ नहीं तो 1 होता है। अब 10 में 1 इसकी वैल्यू होती है 10 by 4 के साथ में 1 लेके चलूंगा मैं, तो यहां तो हो जाएगा 10 यहाँ पे अब देखिए 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b, तो जहां पर a है वहां पर पाई बाय 4 और b की जगह आ जाएगा x बाय 2, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका? tan a प्लस b का हो जाएगा, tan a प्लस b का। यहां tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा आपका pi by 4 प्लस x y, ये आपका आंसर है। क्लियर है सभी को?